Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सितंबर की शुरुआत में मानसून की मनमानी के आगे आधा हिंदुस्तान सरेंडर था, मगर अब सितंबर के जाते जाते मानसून भी देश को अलविदा कहने की तैयारी में है। जाते हुए मानसून की वजह से कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ फिलहाल मौसम साफ रहेगा, मगर उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। आमतौर पर हर साल मानसून की विदाई 17 सितंबर से शुरू हो जाती है। पहले ये पश्चिम राजस्थान से जाता है, इसके बाद 20 से 25 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से विदा होता है। बेशक इस मानसून में बरसात को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी बहुत सटीक नहीं रही, लेकिन तब भी मौसम विभाग की माने तो अब हफ्ते भर दिल्ली में अच्छी बारिश के आसार न के बराबर हैं। इसके चलते अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक दिन पहले 20 सितंबर को भी दिल्ली में सुबह से ही धूप निकली रही। दिन चढ़ने के साथ ही धूप और तेज होती गई। हालांकि पिछले दिनों हुई बरसात के चलते हवा में अभी भी नमी बनी हुई है। यही हाल आज भी सुबह से बना हुआ है। सुबह की शुरुआत धूप के साथ हुई और दिन चढ़ते चढ़ते सूरज के तेवर और बढ़ते चले गए। बीते दिन 20 सितंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर से 1 डिग्री कम 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक हफ्ते भर हवा की दिशा दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पश्चिम रहने की संभावना है। बीच बीच में बादल देखने को मिलेंगे, साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है, मगर झमाझम बारिश कहीं नहीं देखने को मिलने वाली।